रायबरेली जनपद के बशावा नगर में जहां एक तरफ लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टॉप बनकर तैयार है, जिसमें बिना शुभारंभ के ही बसों का आवागमन प्रारंभ हो गया, लेकिन बस स्टॉप अवैध अतिक्रमण के कारण अनाधिकृत चार पहिया वाहनों का जमावड़ा बना हुआ है। मामला इससे ही संबंधित है कि अवैध अतिक्रमण के कारण बस स्टॉप परिसर में अपनी माँ के साथ भीख मांग रही 4 वर्षीय बोध बालक पीताम्बरी पुत्र पप्पू निवासी कुटी मोहल्ला बछरावा की आलमबाग डिपो की बस UP 41 AT 4568 के चढ़ने से दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बछरावा नगर के पीताम्बरी पुत्र पप्पू कुटी मोहल्ले में निवास कर रहे बेड़िया बिरादरी का ये अबोध बालक है, जो कि बस स्टॉप पर अपनी मां के साथ भीख मांग रहा था। तभी लखनऊ से आ रही आलमबाग डिपो की बस, जो कि फतेहपुर की ओर जा रही थी, उसके अगले पहिए की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसने भी हृदय विदारक घटना देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। कई सालों से इस बिरादरी के अधिकतर लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए ये लोग अधिकतर बस स्टॉप पर ही अपना आशियाना बनाए रखते हैं। वहीं दुर्घटना होने के बाद आलमबाग डिपो का बस का चालक व परिचालक बस को इस हालत में छोड़कर बछरावा थाने की ओर रुखसत कर गए। इस मामले की सूचना बछरावा पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। वहीं इस संबंध में संवाददाता के बछरावा थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार राय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिली है, पुलिस विधिक कार्यवाही कर रही है। रायबरेली से सर्वेश यादव की रिपोर्ट।